मैं सऊदी अरब में अरबी के बच्चे संभालती थी। रात को घर जाने लगती तो अरबी मालिक कभी 2000 कभी 3000 रियल मुझे पकड़ा देता। महीने बाद तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती। एक रात अरबी की बीवी नाराज होकर घर से चली गई। अरबी ने मुझे घर पर रोक लिया, मेरे होश उड़ गए। उस रात अरबी ने मेरे साथ, मैं और मेरा पति सऊदी अरब में रहते थे, हम दोनों ही बीए पास थे, इसीलिए मेरे पति को एक फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी मिल गई। लेकिन इसकी तनख्वाह इतनी ना थी कि घर का गुजर बसर अच्छे से होता, इसीलिए मैं भी एक अरबी के घर उसके बच्चे का केयर टेकर के तौर पर ख्याल रखने लगी। वो अरबी जो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैं अपने पति को इस नौकरी के बारे में बताई तो वो बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर खाली ही होती थी, इसीलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटा कर मैं उस अरबी के घर चली जाती थी। उसके दो छोटे बच्चे थे, दोनों ही जुड़वा थे, एक बेटी और एक बेटा, दोनों 1 साल के थे। उसकी बीवी बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसीलिए उन दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी। मैं सिर्फ 8 बजे तक अरबी मालिक की घर की रहती थी, उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं सुबह के 1 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उसकी घर पर रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि एक माँ होते हुए भी उस अरबी के बच्चों को देखती तक नहीं थी। बच्चों को खिलाना पिलाना, उनका डायपर चेंज करना, सबका ख्याल रखना, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालकिन सख्त मिजाज की थी और मुझे भी गुस्सा रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे अभी उनके घर कुछ ही दिन हुए थे काम करते हुए, मैं उस औरत के मिजाज को अच्छी तरह से समझ गई थी। वो हर वक्त नौकरों पर चीखती चिल्लाती हुई नजर आती थी और किसी से जरा सा भी काम खराब हो जाता तो उस पर चिल्लाने लगती। अगर मालिक घर आते तो उनसे भी जरा सी बात पर शोर मचाने लगती। मैंने ये बात महसूस की थी कि मालिक अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी बीवी शायद अच्छी नहीं मिली थी। मालिक जब भी अपने काम से घर वापस आते तो सबसे पहले बच्चों के कमरे में आते, मैं बच्चों के साथ ही बिजी रहती थी, इसीलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देते मैं फौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही वे दरवाज़ा खोलते थे, फिर अपने बच्चों को प्यार करते, मुझसे भी पूछते बच्चों ने तंग तो नहीं किया, उन्होंने खाया पिया तो ठीक से है ना। वो अरबी पूरे दिन की बच्चों की रूटीन मुझसे पूछता था, मैं भी उस अरबी मालिक को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको, फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे 1000 रियल पकड़ा दिए। यह देखकर मैं हैरान सी रह गई थी, हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 1000 रियल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नज़र मालिक की तरफ देखा था, मेरी आंखों में हैरानी थी। कहने लगे, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं मालिक, आपने जो तनख्वाह दे तय की है वो भी काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया, कहने लगा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने वो पैसे पकड़कर अपने पर्स में रख दिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुँची तो मुझे कहने लगा, बात तो सुनो। मैंने कहा, जी। वो कहने लगे कि इस बात का जिक्र अपनी मालकिन से मत करना, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें 1000 रियल दिया है। मैं कुछ देर तो इस बात को सुनकर सूझ में पड़ गई थी, फिर मैंने हाँ में सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन न जाने क्यों उस रात में बड़ी बेचैनी हो रही थी, एक तो मालिक का मुझे 1000 रियल देना और दूसरा इस बात का कि मालकिन से छुपाने को कहना, ये दोनों बातें ही मेरे दिमाग से उलझन का काम कर रही थी। फिर मैंने कहा कि शायद मालकिन जरा गुस्से वाली है, इसीलिए अरबी मालिक को मना करती हूँ कि पैसे देने से, चलो अगर उसने दे दिए तो कोई बात नहीं। मैंने वो पैसे संभाल के रख दिए, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त में ना रही
जब दूसरे दिन मालिक ने मुझे 2000 रियल दिए थे। इस बार तो मेरा दिल सख्त में गिरफ्तार होने लगा था। आखिर मालिक मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे थे। मैंने वो 2000 रियल भी वापस पकड़ लिए। मैंने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, आप क्यों मुझे रोज रोज इतने पैसे दे रहे हैं। मैंने फटाफट से अपनी चादर को सही किया था क्योंकि वो मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहे थे। कहने लगे कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं, इसीलिए। मैंने कहा, वो मेरी ड्यूटी है और इसके पैसे मैं आपसे लेती हूँ। पर आज मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसे नहीं लिए और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही दिन जब मैं बच्चों को संभालने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो मालिक अपने काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बच्चों के पास ही था। जब मैं आई तो मुझसे कहने लगा कि इतनी देर से आए हैं आप, आपको पता है मेरे दोनों बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। उसके लहजे में फिक्रमंदी थी और थोड़ा लहजा सख्त भी था। मैंने घबराकर जब घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 1 बज रहे थे और मैं इसी वक्त आती थी। मैंने कहा, मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगा कि इसी चीज़ के तो आपको पैसे दे रहे थे कि आप मेरे बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखते। देखिए, सुबह से उनको बुखार है, उनकी माँ तो उनकी परवाह नहीं करती, लेकिन मैंने आपको नौकरी पर रखा है ताकि मेरे बच्चों की अच्छे से अच्छी केयर हो सके। इसीलिए नहीं कि आप 1:12 पर आए और मेरे बच्चे यहाँ पर बीमारी में रोते रहे। एक बच्ची तो सो रही थी, लेकिन इसका जो छोटा बेटा था वो रोए जा रहा था। मैंने फटाफट से उसे मालिक से लेकर अपनी गोद में पकड़ा। दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। जैसे ही वो बच्चा मेरी गोद में आया वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने उसे सीने से लगाया तो वो तप रहा था। मैंने इसके माथे को चूमा। मैंने कहा, आपको मेरा इंतज़ार करने के बजाय बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। देखो तो सही, बच्चों को कितना बुखार है। मेरी बात सुनकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा था और कहा, मेरी अकल काम नहीं कर रही थी। वाकई मुझे तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। फिर उसने सोई हुई बेटी को गोद में उठाया और मुझसे कहने लगे कि चलो मेरे साथ, मैं उन्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। यह सुनकर मैं कुछ चौंक सी गई। मैंने कहा, आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं, आप मालकिन को लेकर जाइए, वो माँ है और माँ बेहतर बता सकती है। मेरी बात पर वो जरा सा मुस्कुराए थे। कहने लगे, माँ ऐसी होती है क्या, जैसे कि मेरी बीवी है। इसे तो पता तक नहीं है कि बच्चों को कौन सी दवाई देनी है और कौन सी नहीं। दवाई तो आपने उन्हें पिलानी है, ख्याल भी आपको उनका रखना है, तो बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चलें। मैं मालिक के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मालकिन बाहर लॉन में बैठे टीवी देख रही थी, साथ ही चाय भी पी रही थी। मुझे मालिक के साथ बाहर जाते देखा तो मुझे बुलाने लगी। कहने लगी, कहाँ जा रहे हो, अब बच्चों को क्या हुआ है। मेरे बजाय मालिक ने अपनी बीवी को जवाब दिया। कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे दोनों बच्चों को बुखार है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, तुमने चलना है तो चलो साथ। ये बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगी, ना बाबा ना, मुझे नहीं संभाले जाते बच्चे, तुम्हें शौक था ना। यह कहकर वो दोबारा से टीवी के चैनल चेंज करने लगी। मैं इतना हैरान थी उस औरत पर कि एक माँ होते हुए इसका जवाब इतना सख्त लहजा था। मैंने बहुत सी लापरवाह लड़कियाँ देखी हैं जो शादी के बाद और बच्चे होने के बाद बच्चों के मामले में जिम्मेदार हो जाती हैं। यह कैसी माँ थी कि बच्चों के लिए कोई तड़प ही ना थी। मालकिन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे बच्चों की जरा भी परवाह ना थी। पिछले 2 महीने से मैं उनके बच्चों को संभाल रही थी और मैंने देखा था कि वो मालिक की बीवी हमेशा खुद को ही सजती संवरती रहती थी। कभी नौकरों से अपने नाखून कटवाती, कभी अपने हाथों पैरों पर मसाज करवाती, कभी सर पर तेल लगवाती, हर वक्त अपनी ही परवाह करती। दोनों बच्चों को मासूम ही बुखार था। पूरा दिन मैं बच्चों के साथ ही गिर कर रह चुकी थी। एक को दवा देती तो दूसरा रोने लगता।
दूसरे को सुला देती तो पहले वाला कोई ना कोई कमरे में बड़ी चीज खराब कर देते। बुखार में दोनों बच्चे चिड़चिड़ा और जिद्दी हो गए थे, वरना तो मेरी बात मान लेते थे, लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रहे थे। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही मालिक आए तो मैं जाने की इजाज़त मांगी तो मुझे कहने लगे कि ये बात सही तो नहीं लग रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरे बच्चों के साथ रह लें तो ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रुक सकती हूँ, मेरा पति 9 बजे वापस आ जाता है और मुझे खाना देना होता है। यह सुनकर मैंने देखा कि मालिक के चेहरे पर अजीब से अंदाज में कहने लगे, आप क्या शादीशुदा हैं? मैंने कहा। मेरा जवाब सुनकर मालिक का चेहरा बुझ गया था, फिर एकदम से उन्होंने अपने चेहरे का रूप बदल लिया। कहने लगे, क्या आप अपने पति से कह देंगी कि एक रात के लिए आपको यहीं रहने दें, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालने का इतना आइडिया नहीं है, रात भर मैं कैसे ही नहीं संभाल सकता हूँ, फिर आप उनकी मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा, ठीक है, अपने पति से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने पति से कहा तो वो कहने लगे कि ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद इंतजाम कर लूँगा। रात भर मैं बच्चों को संभालते रही और अगले दिन बच्चे शाम तक भले चंगे हो गए थे। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो मालिक ने मुझे 5,000 रियल पकड़ाना चाहा। मैंने कहा कि आप क्यों दे रहे हैं? वो कहने लगे, आपने मेरे बच्चों को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसीलिए इसको इनकार मत कीजिएगा, प्लीज़। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसों से तोड़ रहे हैं। हाँ, मानती हूँ कि मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझूँ, इसीलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और फिर से बाहर निकल गई। मेरी शादी को भी 4 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। शादी के फौरन बाद में उम्मीद से हुई थी, लेकिन मेरा पति मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, तुम्हें पता है कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है और इतनी तनख्वाह में एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, ऊपर वाले के लिए भी तुम अबॉर्शन करवा लो, जैसे ही हालात ठीक होंगे फिर हम ऊपर वाले से बच्चा ले लेंगे, बच्चों का क्या है, बच्चे तो हो ही जाते हैं। उस वक्त मैं बहुत रोई थी। मैंने कहा था, बच्चा अपना नसीब लेकर आता है, तुम क्यों ऐसा सोचते हो? लेकिन वो मेरे आगे मिन्नत करता रहा, मुझे समझाने लगा, कहने लगा, मैं बहुत तंग हूँ, परेशान हूँ और भी तंग हो जाऊँगा, तो मुझे समझो। उस वक्त मेरे पति सऊदी के अलावा वीजा लगाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। उसके बाद हम सऊदी आ गए थे। 3 साल से मेरा पति काम कर रहा था, लेकिन हालात जैसे थे वहीं पर अटके हुए थे, और हर वक्त जब मैं यही कहती कि अब हमें औलाद लेनी चाहिए तो वो इनकार कर देता, कहता कि बस 1 साल और रुक जाओ, जैसे ही हालात ठीक होंगे तो फिर ले लेंगे, हम कौन सा बुड्ढे हो गए हैं कि औलाद नहीं हो सकती, वो हमेशा ही टाल जाता। लेकिन मेरे दिल में था कि ऊपर वाला मुझे औलाद दे दे, इसीलिए जब उन दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने ये सब नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रही हूँ या वो बच्चे मेरे लिए एक बोझ है। मैंने अपनी सारी ममता उन पर निझावर कर दी थी और दिल से उनको संभालती थी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा मालकिन और मालिक में झगड़ा हो रहा था। न जाने किस बात पर उन दोनों की इतनी बहस हो रही थी कि मुझे भी डर महसूस होने लगा कि कहीं वो आपस में तलाक ना ले लें। मालिक को यही कह रहे थे कि तुम हर वक्त शॉपिंग करती रहती हो या फिर अपने आप को सच्ची संवरती रहती हो, एक रात ही को तुम्हें बच्चों को संभालना पड़ता है और वो भी तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हो, तो वह दूसरे कमरे में जाने से क्या मिलता है, जरा भी बच्चों की परवाह नहीं, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मालिक बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हुए बाहर चले गए।
मैं उस वक्त कमरे में सारा शोर सुन रही थी और बच्चे भी उस वक्त सहन में बैठे थे क्योंकि चिल्लाने की आवाज कमरे तक आ रही थी। सिर्फ मेरा दिल धक से रह गया जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुला बड़ी ही गुस्से वाले अंदाज में मालकिन कमरे में आई थी। कहने लगी, चलो छुट्टी है, तुम्हारे यहाँ से निकलो। यह कहकर उसने मुझे चुटकी बजाकर बाहर जाने के लिए कहा था। मैं खामोशी से बाहर निकल गई, लेकिन मैं जानती थी कि वो औरत बहुत गुस्से में है, इसीलिए कुछ नहीं सुनेगी। मैंने अपना पर्स उठाया और अपने घर चली गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे मालिक का फोन आया। वो मुझे कहने लगे कि फौरन से घर आ जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा, मालिक इस वक्त तो रात के 8 बज रहे हैं। वो कहने लगे, मुझे आपसे बेहद ज़रूरी काम है, आपका आना बहुत ज़रूरी है, आप फौरन से मेरे पास आएं। मैंने अपने पति को बताया तो कहने लगा, हो सकता है बच्चों को फिर से बुखार ना हो गया हो, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मेरे पति के पास मोटरसाइकिल थी, वो मुझे मालिक के घर के बाहर ही छोड़कर चले गए। जैसे ही मैं डोर बेल बजाया तो दरवाजे चौकीदार की बजाय मालिक ने खोला था। मैंने हैरत से देखा तो चौकीदार भी घर में ना था। मैंने मालिक से पूछा तो वो कहने लगे कि चौकीदार अपने घर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप अंदर आओ, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर मैं मालिक के साथ अंदर चली गई, पर मैं नहीं जानती थी कि अंदर जाते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। जैसे ही मैं अंदर गई, लॉन्च बिल्कुल खाली था। यह देखकर मैं थोड़ी परेशान हुई थी, इसीलिए सोफे के किनारे पर जाकर बैठ गई। फिर वह सामने वाले सोफे पर बैठे अपना सर पकड़कर कुछ सोचने लगे। फिर मैं कहने लगे कि मेरी बीवी दोपहर से अपने मायके जा चुकी है, जब मैं घर आया तो मेरे बच्चे मौजूद नहीं थे। जब मैं अपनी बीवी से फ़ोन पर पूछा तो कहने लगी, मैं बच्चों के साथ लेकर नहीं गई। फिर कहने लगी, चौकीदार को भी उसने वापस घर से भेज दिया था। जब मैं घर आया तो घर पर कोई भी नौकर मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि चौकीदार भी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि बच्चों को खुद ले गई या फिर उसने मेरे बच्चों को अगवा किया है। यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। फिर कहने लगे कि अगर आप बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद कर दें। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन यह सुनकर मुझे तो बहुत दुख हुआ था। एक माँ होकर वो क्या खेल खेल रही थी अपने ही सगी औलाद के साथ। अभी मैं इस बारे में सोच रही थी कि जब पुलिस की गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई थी। कुछ ही देर में दरवाजे और दीवारों को छलांग मार के पुलिस अंदर आ चुकी थी। मुझे और मालिक को देखकर उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगे। कहने लगे कि आपकी बीवी ने सही कंप्लेंट की थी, आपका इस औरत के साथ चक्कर है, तभी आपने उसे अकेले में यहाँ बुलाया है। और यह भी कहने लगे कि दोनों बच्चों को भी इस नौकरानी ने ही अगवा किया है। यह सुनकर मैं परेशान होकर रह गई। वो मेरे अरबी मालिक पर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मालिक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मैं रोने लगी। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, वो भी पुलिस स्टेशन में पहुँच गया, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। मेरा पति इस मालकिन के पास चला गया और उसे कहने लगा कि मेरी बीवी ने आपके बच्चों को अगवा नहीं किया और ना ही इसका किसी के साथ कोई चक्कर है, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए इसे छोड़ दो। वो कहने लगी, मैं एक ही शर्त पर केस वापस लूँगी कि तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि मेरा पति मुझे यह साफ साफ कहकर चुका है कि वो मुझे तलाक लेकर तुम्हारी बीवी से शादी कर लेगा, क्योंकि वो मेरे बच्चों को ज़्यादा अच्छा ख्याल रखती हैं। यह सुना था कि मेरा पति भी दंग रह गया। मैं नहीं जानती थी कि मालिक ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मेरा दिल यह सुनकर बहुत गमगीन हुआ था। मैं तो उनका भला कर रही थी। मालकिन ने अपना केस वापस ले लिया और मैं अपने पति के साथ वापस अपने गाँव आ गई थी।
मुझे वो बच्चे बहुत याद आते हैं। जब माँ बाप यूं लड़ते हैं तो उन बच्चों की क्या परवरिश हो सकती है। किसी ने सच कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें मेरी कोई भलाई थी। धन्यवाद।